नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाइयों, जो हाल ही में बारिश हुई है, जो अभी बारिश चल रही है, तत्काल में हो भी रही है कई जगह पर, इसके बाद आलू का क्या भविष्य रहने वाला है, क्या आलू का रेट जाने की भविष्य है और क्या संभावना है, कितना रेट जाएगा और इस क्षति से क्या आलू के भाव में आएगी तेज़ी या आएगी गिरावट, क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ बने में रही वीडियो को अंत तक, ताकि आपको वीडियो में समझ में आए कि आलू का भाव कितना ज़्यादा बढ़ सकता है या कितना ज़्यादा घट सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी लोगों किसान भाइयों को पता है कि आलू का नुकसान हुआ है। इससे पहले भी अगर हम बात कर लेते हैं 3 सप्ताह 2 सप्ताह पहले का, तो ऊना हसवारीपुर में आलू का बुआई हुई थी, जहां पे आलू का नुकसान हुआ था, तो आपको देखने को मिला था आलू के भाव में तेज़ी। उसके ठीक 3 सप्ताह बाद किसान भाइयों फिर से आलू हुई बर्बाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज और अलीगढ़ और भी कई सारे जगहों पर आलू हुआ बर्बाद। तो देखिए किसान भाइयों, आलू बढ़ने के रेट की संभावना कैसे है, हम पूरा आपको डिटेल में समझाते हैं। जब ऊना होशियारपुर में बारिश हुआ था, उसके कुछ ही दिनों बाद आलू का रेट आपको देखने को मिला था, कुछ न कुछ रुपए का बढ़ोतरी आपको देखने को मिला था, जो कि अगर आप हमारा डेली मंडी भाव पर वीडियो देखते हुएगा, तो आपको डेली अगर मंडी भाव देखते हुएगा तो आपको पता होगा। उसके बाद बारिश का जो चर्चा चला हमारे चैनल पर, उसके ठीक 2 दिन बाद आलू के भाव में आया तेज़ी। 2 दिन बाद से ही आलू का रेट बढ़ने लगा। उसके बाद से आलू का रेट एवरेज में ही रहा, ज़्यादा हाई नहीं गया और नहीं ज़्यादा लो गया, जैसे कि तैसे एवरेज बना रहा, और कुछ प्रकार का आलू था जो हाई में थोड़ा गया। लेकिन उसके ठीक 3 सप्ताह बाद अभी जो बारिश हुई है तत्काल में 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर को, तो अब बता दें किसान भाइयों, इस 3 दिन जो बारिश हुई है ना, भयंकर बारिश, इसमें भी आलू का नुकसान हुई है। इसमें फर्रुखाबाद का नुकसान हुआ है, कन्नौज का नुकसान हुआ है, अलीगढ़ का नुकसान हुआ है और भी कई सारा जगहों का नुकसान हुआ है। जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नुकसान देखा हूँ, वहाँ का भी नाम तत्काल मैं आपको ले रहे हैं क्लियर। और बात कर लेते हैं, और भी बहुत जगह हुआ होगा, लेकिन और जगह का इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आया है, लेकिन ये 3 जगह का फुल्ली डिटो इन्फॉर्मेशन है कि बर्बाद हुआ है आलू। तो वहाँ पे आपको 3 सप्ताह बाद आलू के भाव में जब तेज़ी देखने को मिला किसान भाइयों, तो यहाँ पर भी बर्बादी हुआ है 3 जगह पर। वहाँ पर ऊना होशियारपुर में भी हुआ था, तो यहाँ पर भी देखिए 3 दिन बारिश में फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये सभी जगहों पर आलू का नुकसान हुआ। तो जब वहाँ पे नुकसान हुआ था तो आलू में तेज़ी देखने को मिला, फिर से आलू बर्बाद हुआ। तो किसान भाइयों, आलू में तेज़ी मिलेगा, और किसान भाइयों बता दें, एकदम से तेज़ी के लिए आपको कोल्ड स्टोर में आलू रोक के नहीं रखना है, आलू का हर रेट में बेचना है। अभी जो रेट है उस रेट में भी बेचना है, और बढ़ेगा उसमें भी बेचना है, और आगे चल के घट भी सकता है, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन बढ़ेगा 100% चांस है किसान भाइयों। क्योंकि आप भी जानते हैं, जब कोई चीज़ का डिमांड बढ़ता है और उसका क्वांटिटी घटता है और क्वालिटी बढ़ता है, तो आपको देखने को उसका भाव बढ़ना मिलता है। तो डिमांड इसका जो लगा था, आलू का बीज लगाया गया था, वो सब तो बर्बाद है। अब वो किसान भाई तो दोबारा से लगाएंगे आलू, फिर उनको दोबारा से ज़रूरत पड़ेगा, और आलू का जो क्वांटिटी है वो कम हुआ और आलू का मांग ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पर रेट बढ़ने का तो पूरा संभावना है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सभी रेट में आलू को बेचे, क्या पता बाय चांस कहीं घट भी सकता है, लेकिन घटने का चांस नहीं। तो हमारा यही था आज के आलू के भविष्य के वीडियो। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपसे मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पर न हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और भी किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि किसान भाई भी जान पाए ये इन्फॉर्मेशन। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।